और ये है मिडिल डेल्ट की सबसे बड़ी एक्सरसाइज। हाँ, विंग हो चुका है, टैग नंबर मिल चुका है, पोस्ट मैं कर रहा हूँ जिसमें मैं टैग रिवील करूंगा। तो चलिए जी, आधी लड़ाई हुई पूरी, ट्रंक नंबर 109। कुलदीप यादव का रिप्लाई आ गया सुनमीत गिल के लिए। सुनमीत गिल के इस वीडियो को देखने के बाद कुलदीप यादव ने क्या कहा, इसकी कंप्लीट अपडेट हम यहाँ पर देखेंगे एंड उसके बाद फिर सुनमीत गिल क्या कहते हैं उसको भी देखेंगे। इसके साथ ही अपने नितिन चंडीला एंड यतिंदर सिंह को उनका ट्रंक नंबर मिल चुका है एंड ट्रंक नंबर मिलने के बाद वो अपनी फिजिक के विषय में क्या कहते हैं और उनकी करेंट कंडीशन भी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपका दोस्त हर्ष पांडे। तो हमारी पहली अपडेट आ रही है इंडियन रॉक दीपक नंदा की तरफ से। तो हर माधे मेरे सही भाइयों को, तो 5 महीने बाद वर्कआउट करने आया हूँ मैं। 5 महीने से वर्कआउट किया, डंबल टच भी नहीं किया मैंने। और क्यों नहीं कर पाया कि पहले घर रिनोवेशन चल रहा था, घर का काम चल रहा था, फिर जिम का काम चल रहा था, मेरी वाइफ वो प्रेगनेंट थी, फिर बेबी का था मेरे, और डाइट बिल्कुल ज़ीरो थी। डाइट कोई डाइट नहीं ली थी मैंने, बिल्कुल जैसे सप्लीमेंट का, प्रोटीन का, ABCD कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जैसे कहते ना क्लीन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, डाइट बिल्कुल ज़ीरो थी। तो अभी मैं दिखाता हूँ इतना सब करने के बाद अभी की मेरी कंडीशन क्या है विदाउट वर्कआउट विदाउट डाइट। तो आपके सामने करता हूँ अपनी बॉडी को शेयर कैसी है, तो देखते हैं कमेंट सेक्शन में बताना भाई। तो आज वर्कआउट करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा कि 5 महीने बाद मैं वर्कआउट में क्या क्या कर रहा हूँ, तो आप देखना और आपके साथ आपका भाई बना रहेगा। जैसे जैसे मैं अपनी डाइट को ऐड करूँगा, अपनी डाइट को फॉलो करना चालू करूँगा, वर्कआउट रूटीन पे आऊँगा, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपकी जो जर्नी है वो आपके साथ शेयर होगी, जो भी मेरी प्रेप की जर्नी होगी वो आपके साथ ही शेयर होगी कॉम्पिटिशन की। अब हम देख लेते हैं कि ये कंट्रोवर्सी कहाँ से स्टार्ट होती है, क्या यहाँ पर सुनमीत गिल कुलदीप यादव कह रहे हैं या फिर रोहित खत्री को या फिर किसी और को। तो सबसे पहले सुनमीत गिल इस वीडियो को शेयर करते हैं जिसमें वो कुछ वर्कआउट के विषय में अपना नॉलेज शेयर करते हैं। वो यहाँ पर बताते हैं कि ये एक्सरसाइज गलत है या फिर सही है। फिर उसके बाद जब इस वीडियो को यहाँ पर सुनमीत गिल शेयर कर देते हैं तो इनके कमेंट बॉक्स में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुनमीत गिल कुलदीप यादव, रोहित खत्री या राहुल फिटनेस को इनडायरेक्ट रूप से कह रहे हैं, आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तो इसी का रिप्लाई देते हुए सुनमीत गिल उसके बाद कुछ और वीडियो शेयर करते हैं जिसकी कंप्लीट अपडेट हम आपको आगे दिखाएंगे, कंप्लीट वीडियो सुनाएंगे। फिर उसके बाद कुलदीप यादव को क्या रिप्लाई आता है, कुलदीप यादव के रिप्लाई करने के बाद फिर सुनमीत गिल क्या रिप्लाई करते हैं, किसको गुंडागर्दी के विषय में कहते हैं, वो क्यों कहते हैं कि अब फिटनेस इंडस्ट्री में एजुकेशन की बात नहीं होती है, इसकी कंप्लीट अपडेट हम आपको यहां पर दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप सुनमीत गिल का इस वर्कआउट वाले वीडियो को देख लीजिए। ये है चेस्ट की सबसे बड़ी एक्सरसाइज, ये है बाइसेप्स की सबसे बड़ी एक्सरसाइज, और ये है बैक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज, और ये है मिडिल डेल्ट की सबसे बड़ी एक्सरसाइज। बकवास। ऐसे ही छोटे बच्चों को जो बिगिनर हैं अभी उनको मिसगाइड किया जाता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले खुद एजुकेट हो, बिकॉज ये चीजें इंडस्ट्री में रहेंगी, लैक ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री में रहेगी, हर कोई सही चीजें नहीं बताएगा, उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने जिनसे सीखा है उनको शायद खुद ना पता हो या उन्होंने खुद स्टडी ना की हो और अप्लाई करने से पहले। तो सबसे पहले अगर आपको बेसिक एक्सरसाइज समझनी है तो किसी भी मसल का एक्शन समझो, गूगल पे जाकर सर्च करोगे मसल एक्शन पता चल जाएगा। मिडल डेल्ट का मसल एक्शन है आपकी आर्म को बॉडी से दूर लेके जाना, ठीक है, अबडक्शन करना आर्म की, और जब आप अपनी एल्बो बॉडी के यहां से जोड़ लोगे और उसके बाद ये करोगे तो इसमें आपकी आर्म की अबडक्शन हो ही नहीं रही है। याद आया कुछ ये मूवमेंट देख के, ये आपकी रिवर्स कर्ल है। तो इनडायरेक्टली आप मिडल डेल्ट ट्रेन नहीं कर रहे, अपने फोरआर्म्स को ट्रेन कर रहे हो, ब्रैकियोडेलिस को ट्रेन कर रहे हो। सो ऐसे ही किसी भी इन्फ्लुएंसर को देख के एक्सरसाइज कॉपी मत करो इफ आप बिगिनर हो। सबसे पहले आप अपनी बेसिक एजुकेशन लो या कोई रिलायबल फिटनेस एजुकेटर है उनकी वीडियो देखो जाके, उनसे एक्सरसाइज सीखो, ना कि किसी भी रैंडम इन्फ्लुएंसर से जाके एक्सरसाइज सीखो। इस वीडियो को शेयर करने के बाद जब सुनमीत गिल को रोस्ट किया जाने लगा, उनके कमेंट बॉक्स में ये कहा जाने लगा कि आप कुलदीप यादव या फिर रोहित खत्री या फिर राहुल फिटनेस को कह रहे हैं, तो सुनमीत गिल कल रात को ही अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे 3 वीडियो शेयर करते हैं, तो उसको सुन लेते हैं। फिर उसके बाद कुलदीप यादव का क्या रिएक्शन आता है, कुलदीप यादव सुनमीत गिल को क्या रिप्लाई करते हैं उसको देखेंगे। हेलो एवरीवन, सो लेटेस्ट रील देखी जिसमें मैंने बताया था कि कोई इन्फ्लुएंसर प्रो टिप बता रहा था मिडिल डेल्ट को ट्रेन करने की और वो गलत थी, उसमें मैंने रीज़न भी बताया कि क्यों गलत थी। तो मैं यही बात कर रहा था कि आपको खुद एजुकेट होने की ज़रूरत है। तो मेरे कमेंट सेक्शन जाके देख लेना, कई अंधभगत कमेंट कर रहे हैं, तो ये उन्हीं के लिए रील थी
कि जब आप किसी पर्टिकुलर इंसान को भगवान मान लेते हो कि वो जो बता रहा सही होगा, वहाँ पे आपकी आपका इंटेलेक्ट, आपकी खुद का दिमाग चलना बंद हो जाता है और आपको हर चीज़ जो गलत भी है ना वो सही लगने लग जाती है। ये वीडियोस आपके लिए ही थी कि किसी को भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, आंख बंद करके किसी से मत सीखो, आप खुद भी रिसर्च करो। और ये लोग जाके देखना, ये जीता जागता मतलब एक एग्जांपल है जो मैंने चीज़ बताना चाह रहा था उनका, कि कैसे एक ब्रेन वॉश होता है किसी को जब भगवान मान लेते हो और उसकी सारी गलत बताई चीज़ें भी आपको सही लगती हैं। ये उनके लिए है। आजकल सोशल मीडिया पे पता क्या चलता है कि अब मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं भी एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ। अगर मैंने पर्टिकुलर कोई मूवमेंट को गलत बता दिया तो जिसने वो एक्सरसाइज को बनाया था, अपनी तरफ से इन्वेंट किया था या रिप्रेजेंटेशन दी थी, उस वो एक्सरसाइज गलत हो गई तो उसके फॉलोअर्स आ जाएंगे आपके कमेंट सेक्शन में, आपको धमकी देंगे, गाली गलौज करेंगे। बिकॉज इतना ही दिमाग है, इतना सही दिमाग है और इतनी सी सोच है उनकी कि बस वो यही कर सकते हैं कि किसी कमेंट सेक्शन में आके बस ऐसी कुछ भी बकवास कर सकते हैं। होना क्या चाहिए, इफ़ आपको लगता है कि आपने सही बताया, मैं आपको गलत प्रूव करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो होना क्या चाहिए था, आप उस पर वीडियो बनाएं, एक्सप्लेन करें कि नहीं ये ऐसे है, मैंने जो ऐसे ही बताई वो ठीक है, रैदर देन कि चलो जाओ कमेंट करो, गाली गलौज दो। इतना ही दिमाग है तभी तो फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो नहीं होती हमारी, बिकॉज ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो सीखना ही नहीं चाहते। एक बात नोट कर लो, हमेशा काम आएगी, मैंने भी बहुत सीखी है ये अपनी, जितना भी मेरे को टाइम हुआ है इसमें। जहाँ पे आपको सीखना चाहिए, अगर सीखने को मिल रहा है वहाँ पे आपकी ईगो आ जाएगी ना, अगर कि नहीं मुझे सब पता है, मैं हमेशा सही हूँ, मुझे कोई गलत प्रूव नहीं कर सकता, मैं गलत नहीं हूँ, मैं किसी से सीख नहीं सकता, मुझे कोई सिखा नहीं सकता, वहाँ पे आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, वहाँ पे आप अंधे हो जाओगे। ठीक है, आंखें खुली रखो, हर तरफ से ऑब्जर्व करो, सुनो। ठीक है, जब आपकी ईगो बीच में आ जाएगी ना, नहीं ये तो पागल है, ये क्या गलत बता रहा है, जो मैंने जहाँ सीखा वही सही है, वहाँ पे आपकी ग्रोथ रुक गई है। सो समझदार बनो। ठीक है, बहुत बड़ी इंटरनेट की एक लॉबी है सीखने के लिए, लाइब्रेरी है, हर किसी से सीखने की ट्राई करो और ख़ुद भी पढ़ो। ठीक है, रैदर देन कि अंधभक्तों की तरह कुछ भी गलत बता रहा है तो उसको हाँ हाँ करते रहो। तो फाइनली कुलदीप यादव का भी रिप्लाई आ जाता है। अभी से लगभग 5 घंटे पहले कुलदीप यादव अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे इस चीज़ को शेयर करते हैं एंड आप सभी से एक क्वेश्चन करते हैं, के लेटर्स की एफिशिएंसी पे जवाब दिया जाए, और उस पे दो ऑप्शन देते हैं, अपने लेवल का नहीं है ये, या फिर धमाकेदार। फिर उसके नीचे और भी कुछ कहते हैं, करनी आती नहीं, के लेटर्स, गलत डेमो देख के ज्ञानी बन रहा है, अच्छे अच्छे नहीं सीख पाते, तू तो चीज ही क्या है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कुलदीप यादव इनडायरेक्ट रूप से क्या वो सुनमीत गिल को रिप्लाई कर रहा है, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब इस पोस्ट को देखने के बाद सुनमीत गिल क्या रिप्लाई करते हैं, वो यहाँ पर अभी से लगभग 2 घंटे पहले अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे इस पोस्ट को शेयर करते हैं, जिसमें वो क्लैरिफिकेशन देते हुए बताते हैं कि मैं कुलदीप यादव को नहीं कह रहा, मैं किसी और को कह रहा, और वो यहाँ पर आरके लिखते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि वो आरके किसको कह रहे हैं। एंड इस पोस्ट को शेयर करने के कुछ समय बाद वो एक वीडियो भी शेयर करते हैं, जो वीडियो रोहित खत्री का, आप जैसे कि इस वीडियो को देख सकते हैं। इतना बड़ा शोल्डर, ये कैसे पॉसिबल है, एक ऐसी एक्सरसाइज जो अभी रिसेंटली मैंने पिछले 4 हफ्ते से करना स्टार्ट किया है। आप लोगों ने हमेशा डंबल साइड रेजेस तो किए होंगे, बट इस एक्सरसाइज में अलग क्या है, आपको अपनी कोहनी को यहाँ पर चिपका के रखना है, एक भी रेपिटेशन में आपकी कोहनी ऊपर नहीं उठनी चाहिए। आपको करना क्या है, कोहनी चिपका ली, ऊपर लेके गए और डंबल को ऐसे का ऐसा नीचे छोड़ दिया, अंदर नहीं लाना। ठीक है, यहाँ आपकी मसल टेंशन बनी रहती है और यहाँ खत्म हो जाती है, यहाँ पर ऊपर लेके गए और नीचे। तो आप यहाँ पर साफ तौर पे देख सकते हैं कि सुनमीत गिल बोल रहे हैं, ये वीडियो देखकर मैंने अपनी रील बनाई थी, अब बोलो ये प्रो लेवल है, नो हेट टू एनीवन, बट लॉजिक कहाँ है। तो आप लोगों ने सुनमीत गिल एंड कुलदीप यादव का रिप्लाई देख लिया। अभी रोहित खत्री की तरफ से ऑफिशियल रूप से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, उनके तरफ से जो भी रिप्लाई आएगा हम उसकी अपडेट आप लोगों के लिए सबसे पहले लेके आ जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट अपडेट के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है नितिन चंडीला एंड यतिंदर सिंह की तरफ से। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये दोनों बॉडी बिल्डर अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप मालदीव में पार्टिसिपेट करने गए हैं और इनको इनका ट्रंक नंबर मिल चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर इन वीडियो एंड फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। यतिंदर सिंह का ट्रंक नंबर है 85,
एंड नितिन चंडीला का ट्रंक नंबर है 109। और इन ट्रंक नंबर पाने के बाद नितिन चंडीला एंड यतिंदर सिंह क्या कहते हैं उसको सुन लेते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप की सबसे पहले अपडेट चाहिए तो। तो चलिए जी, आधी लड़ाई हुई पूरी, ट्रंक नंबर 109। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? शक्ल ठीक ठाक हो चुकी है और हाँ, वेंग हो चुका है, टैग नंबर मिल चुका है, पोस्ट मैं कर रहा हूँ जिसमें मैं टैग रिवील करूंगा। नंबर मेरा मन पसंद है और इस टैग नंबर के लिए प्रे करना कि ये टैग नंबर इस साल स्टेज पे धूम मचाए और 2015 का बचा हुआ काम पेंडिंग जो है वो इस साल पूरा हो जाए। डन डना डन डन।